में उसका प्रयोग होगा। और जब हम उनके साथ बच्चों के साथ जब अनुपात का प्रयोग करवाएं तो यहां स्थिति वैसे आ जाए। एक है छात्र है भाई, ये छात्र विद्यार्थी है, इसके लिए ए है एक वचन पुलिंग का, जो वचन जो लिंग और जो विभक्ति, जो वचन जो लिंग और जो विभक्ति इस विशेष्य में होगी वही विशेषण में आएगी। बच्चे छठी सातवीं तक पढ़ कर देखते हैं ये जो है ये विशेषण है ये विशेष्य, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण में आता है और जिससे विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। इनका दोनों दूसरा नाम और भी है, इनका दूसरा नाम और भी है, उपमान और विधेय है। अरे पदम ही गुण सर्वोत्तर नहीं दिए थे, हम अलग अलग रोल में है, एक टीचर है स्कूल में, अध्यापक है, बच्चों का पिता है, पत्नी के लिए पति है और माँ के लिए बेटा है तो वही अलग अलग संख्या बड़ी। तो यहाँ पर भी ऐसी उदाहरण दे दे करके बच्चों को थोड़ी बहुत लौकिक व्यवहार की जो बात जब तक हम ना समझाएंगे तब तक बात बढ़ेगी। विषय के अंदर कलिशता नहीं होनी चाहिए, रूखापन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप भोजन कर रहे थे मतलब सारी चीज मीठा मीठा चावल था, रोटी भी थी, सलाद भी थी, उसका अलग अलग सारा एक अच्छा सोचता है, उसका तो अलग अलग ही है। तो इसलिए उस पढ़ाई की प्रक्रिया में भी ये नहीं कि लिया त्याग चलो पढ़ाकर याद करो वो स्थिति, अब कोशिश करें और लय के साथ उनका प्रयोग करें। पहले हमारी एक जो सेमिनार में हम आपस में शुरू करते थे संस्कृत की छोटी सी गीतिका थी, उसका भी बाद में मैं वर्णन करना चाहूंगा। तो यहाँ जैसे आ गए, अब ये तो बात में से आपने पढ़ी हुई है, कोई लंबी छोटी कहानी नहीं है, इसलिए इसमें एक आ जाएगा छात्र एकम फलम।